मिशन स्टेट न्यूज में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ शाहनवाज। मैं आपको बता दूं जिस तरह से कल 8 तारीख है और कल के दिन जो है वो मतगणना जो है वो होनी है और 20 केंद्र ऐसे बनाए गए हैं जहाँ पे मतगणना जो है वो होनी है। अभी मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज के बिल्कुल बाहर हूँ और यहाँ की अगर बात करें तो यहाँ पे भी जो है वो सुरक्षा जो है वो कड़ी रखी गई है, सिक्योरिटी जो है वो कड़ी रखी गई है। और जिस तरह से कल 8 तारीख है और कल के दिन जो है यहाँ पे वोटिंग की जो काउंटिंग है वो होनी है। आपको बता दें जम्मू में MAM कॉलेज, वुमेन कॉलेज और पॉलिटेक्निक कॉलेज, ये तीन जगहें ऐसी हैं जहाँ पे जो है वो सेंटर्स बनाए गए हैं, मतगणना जो है यहाँ पे होनी है। और सुरक्षा की अगर बात करें तो कल इंतजाम जो है वो किए गए हैं। और आपको बता दें जो घोषणा प्रणाली है उसके तहत जो है यहाँ पे लोगों को जो है वो इन्फॉर्म किया जाएगा कि कौन सा कैंडिडेट जो है वो आगे चल रहा है और कौन सी पार्टी जो है वो अभी आगे चल रही है। और आपको बता दें ये गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जो है वो जम्मू, वहाँ की तस्वीरें हैं और ये तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से सुरक्षा जो है वो कड़ी रखी गई है। आपको बता दें जिस तरह से 2014 के बाद जो है पहले विधानसभा चुनाव है जो यूटी के अंतर्गत हो रहे हैं और 10 साल जो है लोगों को इंतजार करना पड़ा, लीडर्स को इंतजार करना पड़ा इन चुनावों के लिए, और फाइनली जो है ECI ने ये चुनाव जो है वो कंडक्ट करवा दिए और 1 तारीख को जो है वो आखिरी चरण के चुनाव जो है वो हुए थे। और अब जो है 8 तारीख को यानी कल के दिन जो है वो मतगणना होनी है। सुबह 8 बजे से लेकर जो है वो मतगणना जो है वो शुरू हो जाएगी और ये तस्वीरें जो है आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किस तरह से सुरक्षा के इंतजाम जो है वो कड़े किए गए हैं। और तमाम जो 20 सेंटर हैं वहां पर जो है एजेंट्स, पोलिंग एजेंट्स हैं, उनको ही जो है अंदर जाने की अनुमति जो है वो होगी। जो सुरक्षाकर्मी हैं वो तैनात जो है हर जगह किए गए हैं और जिस तरह से कल के दिन जो है वो मतगणना होनी है, तमाम वो लीडर्स जो कंटेस्टिंग थे, 873 लीडर्स जिन्होंने कंटेस्ट किया इस इलेक्शन में, उनकी किस्मत जो है वो EVM में जो है वो कैद है और कल के दिन जो है उनकी किस्मत खुलने वाली है। और कौन सा वो लीडर होगा, खुशकिस्मत लीडर जिसकी किस्मत जो है वो चमकेगी, जिसने ये अहद लिया होगा कि आम जनता के लिए जो है वो काम करना है, आम जनता के लिए काम करना है, तो जनता ने भी जो है उसको अपना समर्थन जो है वो दिखाया होगा, जनता ने जो है उसको अपना नुमाइंदा जो है वो बनाया होगा, जनता ने जो उस पर भरोसा जताया होगा, वो चीज जो है वो कल के दिन सामने निकल कर आएगी। और जो खुशकिस्मत लीडर्स होंगे, जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स होंगे, जो खुशकिस्मत होगा वो जो है जितकर सामने आएगा। और जिस तरह से कल 8 तारीख है और कल के दिन जो है वो मतगणना जो है वो होनी है। और सुरक्षा की अगर बात करें तो कड़े इंतजाम जो है वो किए गए हैं। आप लोग इस पर अपनी राय रखते हैं, अपनी राय में विचार सुझाव को बॉक्स में जरूर दीजिएगा और इस तरह की अपडेट के लिए जुड़े हैं, देखते रहे।